फिल्म की शुरुआत मैरीलैंड के एक छोटे से गांव से होती है, जहां आर्मी को एक आतंकवादी की टिप मिली होती है, पर डिफेंस ऑफिसर श्योर नहीं रहते कि वो ही वो आतंकवादी है जिसकी उन्हें कब से तलाश है। जो कंफ्यूजन वो मिस्टर प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट करते हैं और अटैक को अंजाम ना देने की विनती करते हैं, पर मिस्टर प्रेसिडेंट आतंकवादी को हाथ से जाने का जोखिम नहीं ले सकते इसलिए उसे एलिमिनेट करने का आदेश दे देते हैं। दरअसल वो सभी किसी के अंतिम संस्कार के लिए आए होते हैं, पर मिस्टर प्रेसिडेंट के कहने पर उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। आप सीन कट होकर जेरी की तरफ मुड़ जाती है, जो हेरा फेरी करके अपना गुजारा चलाता है, पर तभी उसकी माँ से उसे खबर मिलती है कि उसका भाई ईथन अब नहीं रहा, जिसे खोने का सदमा जेरी पर गहरा असर छोड़ता है। दरअसल जेरी और ईथन जुड़वा थे। जेरी के पिता चाहते कि जेरी अपनी पढ़ाई पूरी करे, पर जेरी आगे पढ़ना नहीं चाहता। उनकी बातों से साफ मालूम पड़ता है कि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट है। दूसरी साइड हम रेचल को देखते हैं, जो अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने आई होती है, जो मिस्टर प्रेसिडेंट के स्वागत में ट्रम्पेट से एंटरटेन करने वाला होता है, पर घाई में रेचल अपने बेटे को ट्रम्पेट बैग देना भूल जाती है और उनके जाने के बाद कोई अनजान आदमी उस बैग को चुरा कर भाग जाता है। पर यहां जब जेरी खर्चे के लिए पैसे निकाल रहा होता है, उसे अपने अकाउंट में करोड़ों में रकम जमा मिलती है, जिसे देख वो एकदम घबरा जाता है। पर इतना कम नहीं कि उसे अपने अपार्टमेंट में लौटने पर उसे गन्स और ग्रेनेड से भरे बॉक्सेस और कुछ पासपोर्ट्स भी मिलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, उसे तभी किसी फीमेल का कॉल आता है, जो उसे आगाह करती है कि एफबीआई के लोग कुछ ही देर में उसे धर लेंगे, इसलिए समय रहते उसे भागना होगा। पर जेरी एकदम घबराए, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर तभी सच में एफबीआई वाले ढाबा बोलकर उसे धर लेते हैं। जेरी अब एफबीआई की हिरासत में। मॉर्गन एक सीनियर ऑफिसर बताते कि उसका भाई आतंकवादी संगठन से मिला हुआ था और अब तुम भी उसी रास्ते पे पकड़े गए, क्योंकि हमें तुम्हारे कमरे में इलीगल हथियार के अलावा अकाउंट में किसी टेररिस्ट संगठन के जमा किए पैसे भी मिले। जेरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, पर अब वो बुरी तरह से फंस चुका होता है। दूसरी तरफ रेचल को अपने बेटे के नंबर पर कॉल आता है, पर वो कॉल उसी फीमेल का होता है जिसने जेरी को भी कॉन्टेक्ट किया था, जो उसे उसके सामने टीवी पर नजर घुमाने के लिए कहती है, जिसमें उसके बेटे का वीडियो चल रहा होता है। वो फीमेल वॉइस उसे मैकडोनल्ड के पास एक गाड़ी में सवार होने की धमकी देती है और उसे वैसा ही करना होगा जैसा वो कहे। रेचल को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने की कोशिश करती है, पर हर बार उसका कॉल उसी फीमेल वॉइस को जा लगता है, जो उसे चेतावनी देती कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जेरी से एक एयरफोर्स ऑफिसर जो मिलने की कोशिश करती है, पर मॉर्गन उसे मिलने नहीं देते। पर तभी करीब रखे एक प्रिंटर से जेरी को इनकमिंग कॉल रिसीव करने के लिए परमिशन लेटर प्रिंट होने लगता है, और तभी जेरी के लिए किसी अटॉर्नी का कॉल आता है, जिसे मॉर्गन को देना ही पड़ता है परमिशन लेटर के कारण। पर वो कॉल उसी फीमेल वॉइस का निकलता है, जो उसे तुरंत जमीन पर लेटने को कहती है, क्योंकि उसका मकसद जेरी को वहां से भगाने का है, जिसकी तुरंत बाद एक क्रेन दीवार से टकरा जाता है और उसके लिए भागने का रास्ता बन जाता है। और उसके सामने ही वाली बिल्डिंग पर जेरी को कूदने का संदेश लिखा होता है। जेरी के पास सोचने के लिए ज्यादा मौका नहीं होता, इसलिए वो वहां से कूदकर भाग जाता है और तुरंत मेट्रो में सवार हो जाता है। पर तभी किसी दूसरे के फोन पर जेरी के लिए कॉल आता है, जहां वो ही फीमेल वॉइस उसे 3 स्टेशन आगे उतरने को कहती है। जेरी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, वो फीमेल वॉइस आखिर है कौन। जेरी अब उसका इंस्ट्रक्शन मानने से इनकार कर देता है और किसी दूसरे ही ट्रेन में सवार हो जाता है। पर उसे फिर से उसी का कॉल आता है, जो उसे समझाती कि उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने के कारण अब उसे चलती ट्रेन से कूदना पड़ेगा, इसलिए अंत में उसे वैसा ही करना पड़ता है। आगे वो उसे बाहर एक खड़ी कार में सवार होने को कहती है, जो वही कार है जिसमें उसी फीमेल वॉइस ने रेचल को सवार होने के लिए मजबूर कर दिया। उनके पीछे पुलिस के लग जाने के कारण रेचल को कार भगाना पड़ता है और वही फीमेल वॉइस उन्हें अपने इंस्ट्रक्शन से भागने में मदद करती है, मानो वो हर पल उन्हें देख सकती हो, उनके हर रास्ते में सारे सिग्नल्स को भी ग्रीन करती है ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। वो लोग अब भागते भागते जंकयार्ड पहुंच जाते हैं, जहां वही फीमेल वॉइस किसी तरह सभी क्रेन को रिमोटली कंट्रोल करके सारे पुलिस के गाड़ियों को कुचल कर रख देती है, और ये दोनों भी मौका देकर कचरे वाले नाव पर भाग निकलते हैं। ऑफिसर्स एकदम पजल्ड रह जाते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, सारे कैमरास और कार्स मानो उनके कंट्रोल में थे। इस बार फीमेल उन्हें नाव से उतरकर हाईवे पर चलते चले जाने का इंस्ट्रक्शन देती है। इसके बाद सीन मैरीलैंड टाउन की तरफ मुड़ जाती है, जहां एक अजनबी आर्मी वालों को एक हेक्सामिथिलीन क्रिस्टल बॉम्ब के बारे में बताता है, जिसे बस
एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है धमाका करने के लिए, जो सारी बातें वही फीमेल वॉइस सीसीटीवी की मदद से सुन रही होती है, और वहां से क्रिस्टल बॉम्ब का एक बॉक्स गायब कर लेती है। इस बॉम्ब का ट्रिगर उसी चोर के पास होता है जिसने रेचल के बेटे का बैग चुराया था। वो चोर किसी दुकान पर जाकर एक अजनबी को देता है जिसे वही फीमेल वॉइस उसे इंस्ट्रक्ट करती है इस ट्रिगर को ट्रम्पेट पर फिट करने के लिए। उस फीमेल वॉइस की पहुंच मानो सारी दुनिया में फैली हो, क्योंकि वो दूसरे देश के इंसान को भी इंस्ट्रक्ट करती है उस क्रिस्टल को एक हार में हीरे की तरह जड़ने के लिए, और वो बंदा भी चुपचाप वैसा ही करता है। यहाँ दोनों चले जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक गाड़ी रुकती है जिसमें से वही अजनबी निकलता है जिसने ट्रिगर लगाया था। वो अपनी गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि अब मैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने वाला, जिसके बाद वो अब भागने लगता है। पर फीमेल वॉइस जेरी को कॉल करके उस अजनबी को रोकने का आदेश देती है वरना वो उसे मार देगी, पर वो अजनबी सुनने के मूड में नहीं होता, जिसके तुरंत बाद वहीं स्थित उस विशाल पोल का वायर टूटकर उस अजनबी पर पड़कर उसका इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण ही वहीं जान निकल जाती है, जिसे देख दोनों भी अब हक्के बक्के हो जाते हैं। इसके बाद अब वो उन्हें 11 बजे से पहले इंडियाना शहर पहुंचने का इंस्ट्रक्शन देती है। दूसरी तरफ जो के ईथन के घर की तलाशी करने पर उसे ईथन का लैपटॉप मिलता है, जिससे जो को पता चलता है कि ईथन किसी ईगल आई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। पर जो के लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश में वो अपने आप शट डाउन हो जाता है, और तभी जो को कुछ एयरफोर्स ऑफिसर्स अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ जेरी और रेचल वहीं पहुंच जाते हैं जहां उस फीमेल वॉइस ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था। वो उन्हें अब बताती कि कुछ देर में दो लोग वहां आएंगे सूटकेस के साथ, जिनसे उन्हें वो सूटकेस चुराना है, जिसके लिए उन्हें हथियार की जरूरत पड़ सकती है, जिसका बंदोबस्त भी फीमेल वॉइस ने की होती है सामने खड़ी एक ट्रक में। वो दोनों और कर भी क्या सकते हैं, इसलिए होशियारी से सूटकेस चुरा कर भागने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए फीमेल वॉइस फायर अलार्म ट्रिगर कर देती है, जिसके कारण भीड़ जमा हो जाती है, जिसके मदद से दोनों भी भाग निकलते हैं। वो दोनों के बस से उतरने पर इस बार फीमेल वॉइस उन्हें एक सिनेमा मॉल जाने को कहती है, जहां कई सारी टीवी पर जेरी और रेचल की पर्सनल जानकारी प्ले हो रही होती है। फीमेल वॉइस अब रिवील करती कि वो हर आधुनिक डिवाइस के थ्रू उन पर नजर बनाए रख सकती है, जिससे जेरी को अब क्लियर होता है कि ये फीमेल वॉइस कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एडवांस एआई सिस्टम है। दूसरी तरफ जो को डिफेंस मेजर ब्रोमेन से ईगल आई प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइप एआई मशीन कॉल्ड आरिया के बारे में पता चलता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को रिमोटली कंट्रोल कर सकती है। वहीं यार जेरी और रेचल भेस बदलकर मॉल से निकल ही रहे होते हैं कि मॉर्गन सीसीटीवी के जरिए उन्हें ट्रैक डाउन कर लेता है, और उनके इंडियाना शहर निकलने के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले ही एयरपोर्ट पर उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर दोनों कैसे तो भागते भागते एक कार्गो प्लेन तक जा पहुंचते हैं। आयरा प्लेन को भी कंट्रोल करके उन्हें सामने सूटकेस में रखे इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट करने को कहती है, जो उन्हें सफर के दौरान प्लेन में पैदा हो रहे प्रेशर से बचाए रखेगा ताकि उनका घुटकर मौत ना हो जाए। यहाँ मेजर ब्रोनन जो को ईथन के मरने से पहले का एक घटना का वीडियो फुटेज दिखाते हैं, जहाँ ईथन आर्या के पास खड़ा अपने फोन का लाइट बार बार बंद चालू कर रहा होता नजर आता है, मानो वो कोड में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो जो आर्या ना जान सके। जो और ब्रोमेन अब उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि तभी वो वीडियो आर्या डिलीट कर देती है, पर तब तक भाग्य से जो ने वो कोड को क्रैक कर लिया होता है, जिसका अनुवाद करने पर उन्हें पता चलता है कि ईथन ने फायर एक्सटिंग्यूशन के करीब कुछ तो रखा है। जहां तलाश करने पर उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलती है जिसमें ईथन की रिकॉर्डेड एक वीडियो फुटेज होती है। आप जो को समझ आता है कि ईथन कोई आतंकवादी नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट था गवर्नमेंट के लिए। ये सारी खोज जो तुरंत मॉर्गन को खबर करती है, पर नेटवर्क फेल होने के कारण वो सारी जानकारी शेयर नहीं कर पाती, जिस नेटवर्क फेलियर के पीछे भी आर्या ही थी। जो डिफेंस ऑफिसर को ईथन की एक वीडियो दिखाती है जहां ईथन आर्या को लॉक करते नजर आता है, क्योंकि आर्या किसी की जान लेने वाली थी। डिफेंस ऑफिसर फिर उसे बताते हैं कि हमें एक आतंकवादी की जानकारी मिली थी, पर उनका एआई डिफेंस आर्या श्योर नहीं थी कि वही वो आतंकवादी है, इसलिए उसने उन्हें वार्न करने की कोशिश भी की, पर मिस्टर प्रेसिडेंट ने हमले को मंजूरी दे दी, जिसके कारण एक मासूम मारा गया। जिससे अब जो के दिमाग में क्लाइमेक्स चमकता है कि जब प्रेसिडेंट ने गलत निर्णय उठाया तो आर्या को लगने लगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट में देश को चलाने की काबिलियत नहीं है, इसलिए उसने उन्हें एलिमिनेट करने का प्लान तैयार किया, जिसका ईथन को खबर लग गया और इसीलिए उसने उसे लॉक कर दिया।
दिया ताकि वो डिफेंस के सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। जिसका आयरा को भनक लगने पर उसने अपने AI कैपेबिलिटी की मदद से ईथन को आतंकवादी घोषित कर दिया और अंत में उसे मरवा भी दिया। इससे अब हमें आइडिया लगता है कि रेचल और जेरी को इंस्ट्रक्ट करने वाली भी आयरिया ही है जो उनका प्रयोग कर रही है प्रेसिडेंट को एलिमिनेट करने के लिए। डिफेंस ऑफिसर तुरंत प्रोजेक्ट आर्या को बंद करने का आदेश देते हैं पर आर्या उन्हें CCTV के जरिए सुन लेती है और उन्हें उसी चेंबर में लॉक कर देती है। इसी दौरान फीमेल वॉइस रेचल और जेरी को अपने पास बुलाती है और जेरी को एक कमांड बोलने को कहती है। दरअसल जेरी ईथन का जुड़वा होने के कारण उसकी आवाज उसकी ईथन के भाई से मैच करती है। इससे अब रिवील होता है कि आर्या ने इसीलिए जेरी को शिकार बनाया और रेचल को इसलिए क्योंकि उसका बेटा मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्म करने वाला है जिसके ट्रम्पेट में वही बॉम्ब लगाया गया है। पर इन सब से जेरी बिल्कुल अनजान उसकी कमांड कहते ही आर्या का पूरे सिस्टम पे भी कंट्रोल हो जाता है। आर्या अब रेचल को जेरी की जान लेने के लिए आदेश देती है पर रेचल में हिम्मत नहीं होती। आर्या अब उसे वहाँ से निकलने को कहती है पर जेरी को मॉर्गन धर लेता है। रेचल के बाहर कदम रखते ही एक ऑफिसर उसे अपने घर ले आता है जहाँ वो उसे इन्विटेशन कार्ड देता है जिसके थ्रू वो प्रेसिडेंट हाउस तक पहुँच सकती है। दूसरी तरफ मॉर्गन के एक ऑफिसर को पता चल जाता है कि एक क्रिस्टल चोरी हुआ है और वो उसी आदमी के पास था जो बिजली की तारों से मारा गया। मॉर्गन को अब लगता है कि जेरी को इसके बारे में कुछ तो पता होगा इसलिए वो जेरी को वहाँ से भगा के अपने साथ ले आते हैं। जेरी उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है कि वो एक AI मशीन है जो उन्हें कहीं भी ढूंढ लेगी, अपने सारे आधुनिक चीजें फेंक दो। पर तब तक आर्या उन्हें CCTV के मदद से ढूंढ निकालती है और एक फाइटर जेट को हाईजैक करके उनके पीछे लगा देती है। वो दोनों भागने लगते हैं पर उनकी गाड़ी आगे क्रैश हो जाती है जहां मॉर्गन को गहरी चोट लग जाती है। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं होती इसलिए वो उसे मिस्टर प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ने के लिए विनती करते हैं और खुद का बलिदान देकर उसी प्लेन से सीधे टकराकर जेरी के लिए रास्ता साफ करने में सफल हो जाते हैं। रेचल अब जब तैयार हो गई होती है तो उसका हार वही होता है जिसके अंदर क्रिस्टल बॉम्ब लगा हुआ है जिसका ट्रिगर रेचल का वो ट्रम्पेट है जिसे प्ले करते ही उसके वाइब्रेशन से बॉम्ब डिटोनेट हो जाएगा जिस धमाके में मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ कोई नहीं बचेगा। आर्या का प्लान दरअसल मिस्टर प्रेसिडेंट के बाद उन डिफेंस ऑफिसर को प्रेसिडेंट बनाने का होता है जिन्होंने उस आतंकवादी को मारने से मना किया था। अब भाग्य से जेरी प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच जाता है जहां रेचल भी पहले ही पहुंची होती है। वहीं यहां मेजर ब्राउनन और जो आर्या को शटडाउन करने की कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि आर्या अपना सारा सोर्स कोड किसी और सिस्टम में ट्रांसफर कर रही होती है। इससे पहले कि वो कामयाब हो जो आर्या पर हमला करके उसे हमेशा के लिए शटडाउन कर देती है। पर यहां अब भी खतरा टला नहीं। जेरी सिक्योरिटी के भेज में प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच जाता है जहां रेचल का बेटा परफॉर्म करने वाला है। रेचल अब अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाती है पर धमाका होने से पहले ही जेरी जानबूझकर गोली चला देता है जिससे सभी तरफ हड़कंप मच जाती है। गार्ड्स डिफेंस में जेरी पर गोली चलाते हैं पर भाग्य से जेरी सर्वाइव कर जाता है। रेचल अपने बेटे को लेकर केओस से दूर ले जाती है और अंत में जेरी प्रेसिडेंट को बचाने में सफल हो जाता है। डिफेंस मिस्टर प्रेसिडेंट और बाकी ऑफिसर्स को आर्या के बारे में रिपोर्ट करते हैं जिसके तुरंत बाद आर्या प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए शटडाउन कर दिया जाता है और जिन्होंने भी इस हमले को रोकने में बड़ा योगदान दिया जैसे ईथन और जेरी उन्हें वीरता चक्र से सम्मानित किया जाता है जिसे देख जेरी के पिता उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।